आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। गति पकड़ रहा वैक्सीन का कार्य अफवाहों के कारण प्रभावित हो रहा है। इन दिनों कोरोना टीका नहीं लगाने की अफवाहें फैल रही है। सेंटरों में भेजी जा रही वैक्सीन में से आधी से कम का टीका लग रहा है। अफवाहों के चलते ग्रामीण क्षेत्र में लोग टीका लगाने से कतरा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आशा सेविकाओं द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए जन जागृति कर टीका लगाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत शुरुआत में 60 वर्ष से लेकर अधिक उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा था। उसके बाद बीपी, शुगर जैसी बीमारी वाले 45 आयु के लोगों के लिए टीका लगाने की शुरुआत की गई। इसके बाद 45 से लेकर सभी सामान्य व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन गत सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहें फैलाई जा रही है कि वैक्सीन का टीका लगाने से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, जिससे लोग टीका लगाने से बच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ ही प्रमाण में टीकाकरण हो रहा है। एलईडी टीवी, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, मोबाइल एवं अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बजाज फाइनेंस के साथ किफायती दाम में उपलब्ध है साइट रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।